अनऑफिशियल फ्रेंड्स हैं नादिया शेख। तो आप सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम बात करेंगे लुलुसर लेक्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले तमाम नए नाज़रीन से दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों आपको बताते चलें कि हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ कुदरत के दिलफरेब नज़ारे और अल्लाह ताला के अता करदा हर नेमत मौजूद है, जिसमें दरिया, पहाड़, मैदान, रेगिस्तान तो मौजूद हैं और साथ ही साथ चार तरह के मौसम भी हैं जो बहुत कम ममालिक की शान होते हैं। और इसके साथ आज हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर मौजूद हैं जो है लुलुसर लेक्स। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके वादी कागान की पहाड़ों के दामन में वाक़ ये कुदरती झील जिसका नाम लुलुसर झील है, पश्तो ज़ुबान का लफ्ज़ है। लुलू का मतलब ऊपर और सर का मतलब झील है। ये झील सतह समुंदर से 11,190 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। लुलुसर झील जब हम नरान बाज़ार से निकलते हैं तो दोस्तों 48 किलोमीटर्स का फासला है और नरान बाज़ार से 2 आवर्स या 1.5 आवर्स के दूर में आबाद है। नरान बाज़ार से आप किसी भी गाड़ी में आ सकते हैं, आप अपनी गाड़ी में भी आ सकते हैं। दोस्तों ये आपको मैं ऊपर से दिखा रही हूँ, ठीक है, अभी हम गाड़ी में हैं तो इसका आपको हम ओवर व्यू दिखा रहे हैं, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी हम नीचे उतरेंगे, साइड पे गाड़ी खड़ी करके नीचे उतरेंगे और नीचे से भी आपको इसका पूरा मंजर दिखाएंगे। अरे ये सब कहाँ जा रही हैं? हेलो, ये भी हमारे साथ जो है ना लुलुसर झील देखने जा रही है। ये एक छोटा सा व्यू आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने दोबारा टॉपिक के ऊपर आता जी। दोस्तों इस वक्त हम जो है गाड़ी से उतर चुके हैं और लुलुसर झील के किनारे पर खड़े हैं। अभी मैं ऊपर हूँ रोड के ऊपर, क्योंकि मैं जो है ना नीचे उतर के जा रही हूँ। नीचे जाके आपको ये इसका व्यू दिखाएंगे, पानी का दिखाएंगे और आपको यहाँ के पानी की जो खासियत है वो बताएंगे कि ये झील किस तरीके से आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। हाँ जी, अभी मेरे साथ चलें, मैं आपको इसके बारे में दिखाती हूँ। जी दोस्तों एक आधी ज़रा पिक्स बना लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं लुलुसर झील के बारे में। ये मैं इसके किनारे पर बैठ गई हूँ और मैं आपको बताती हूँ लुलुसर झील की खासियत दोस्तों ये है कि इसका जो पानी है वो 3 तरह के रंग बदलता है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाला जो भी आप से जो है बाबूसर टॉप जो भी जाता है वो इस झील पे ज़रूर रुकता है और यहाँ पे ज़रूर रुक के जो है ना इसे देखने की कोशिश, जैसे मैंने भी रुकी हूँ यहाँ बैठी हूँ। और इसके कलर ऐसे कि अगर जब बिल्कुल कि देखें ब्लैक कलर का पानी लग रहा है, अभी आपको हम ब्लू पानी दिखाएँ और इसकी आप आवाज़ सुने, पानी की अपनी आवाज़ कितनी है ना, चुप हो जाती है। दोस्तों कहा जाता है कि जब इस पे सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, सूरज निकला होता है, तो इस पानी जो है ना नीला लगता है और जब बादल होते हैं वाइट कलर के बादल होते हैं तो ग्रीन कलर देखते हैं। अब देखिए, देखें ये एक ही झील है और अब ये इस साइड पे ग्रीन कलर शो कर रही है, ये आप देखें ग्रीन कलर दिखा रही है। जब बादल थोड़े से काले, जिस साइड पर काले बादल होते हैं उस साइड का पानी जो है ब्लैक लग रहा होता है, ब्लैक, ग्रीन और ब्लू। ब्लू जैसे समुद्र का पानी का कलर होता है वैसा है इसी का कलर लगता है। ये इस झील की स्पेशल है खासियत है। इसके साथ दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों नरान का पार्ट फिर ज़रूर देखिएगा, उसमें हम आपको बाबूसर टॉप की सैर करवाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। अल्लाह हाफिज़।